मिला? क्या पता चला? हाँ सर, काफी इंफॉर्मेशन मिली, कुछ सॉफ्टवेयर कोड्स भी मिले, बहुत शॉकिंग है। शॉकिंग है मतलब? सर, प्रीति गेम खेलने के लिए ये मेन कंप्यूटर यूज कर रही थी और गेम के सोर्स को ट्रैक करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही थी वो इन दो कंप्यूटर्स पे सेव कर रही थी। ये देखिए सर, प्रीति की नोट की हुई कुछ इंफॉर्मेशन। नीले रंग के कपड़े पहना हुआ आदमी कुर्सी से बंधा हुआ है। सर, राजेश में ब्लू शर्ट पहनी थी और उसके हाथ पे वो निशान भी था जैसे रस्सी से बांध के रखा गया हो, तो कहीं ये प्रीति ने जो नोट किया ये राजेश ही तो नहीं? पॉसिबल सर, एक्चुअली गेम के हर लेवल को क्रॉस करने के लिए प्रीति को कुछ सवालों के जवाब देने और प्रीति को हर सही जवाब के लिए तकरीबन 10,000 से 20,000 रुपए मिलते थे और लास्ट लेवल पर आने के बाद उससे काफी मुश्किल सवाल पूछा गया। क्या सवाल क्या था? प्रीति को बताना था कि उस कैद किए हुए आदमी को किस तरह से मारना है। तो इसकी मौत इंटरनेट गेम का एक हिस्सा थी? एग्जैक्टली, यही गेम का आखिरी लेवल है। एक सवाल के सामने किसी न किसी की जिंदगी दांव पर लगी रहती है। सर ये देखिए, गेम के डिलीटेड फोल्डर में से हमें ये फोटो मिली है। ये तो राजेश है। प्रीति के आखिरी सवाल पे जिसकी जान दांव पे लगी थी वो राजेश था। इतना खतरनाक गेम कौन खिला रहा है? कौन हो सकता है? कुछ पता लगा सकती है? हम लोग कोशिश कर रहे हैं सर, पर ये लोग बहुत स्मार्ट है। उन्होंने या उसने जो भी है अपना आईपी एड्रेस बहुत ही स्ट्रॉन्गली प्रोटेक्ट करके रखा है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी कोड्स, हम ट्रैक कर ही नहीं पा रहे हैं। आई एम श्योर सर, सिर्फ राजेश इस गेम का शिकार तो नहीं होगा, और भी बहुत लोग होंगे। प्रीति भी उनमें से ही एक होगी सर। फर्क सिर्फ इतना है कि वो गेम खेलने के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन भी कर रही थी, इसलिए किडनैप कर लिया उसको। हाँ, लेकिन गोद में तो उठाकर नहीं ले गए होंगे प्रीति को, जरूर कोई गाड़ी वाड़ी में लेकर गए होंगे। इस प्रीति के घर के आसपास अच्छी तरह से पूछताछ करो, जरूर किसी न किसी ने तो कुछ तो देखा होगा। और कुछ याद आता है तो बताओ। सर, सर उस बाइक वाले का नाम बता चाहिए सर। सुबू सर गोरेगांव में रहता है और ये उसकी फोटो सर। फोन ट्रेस किया मगर स्विच ऑफ है। पहचानते हो इसको? कौन है ये? हाँ सर, सर ये तो वही लड़का है जो प्रीति के साथ गेम पार्लर में था। तो मतलब अभिजीत जरूर इसका हाथ है प्रीति के किडनैपिंग में। हम लोग जाके इसको गुड मॉर्निंग बोलते हैं जरा, जल्द से जल्द। पंकज, अर्जुन बैठो बैठो, 5 मिनट है तुम्हारे पास, अपने दिमाग को जोर डालो, देखो कुछ याद आता है क्या। हाँ दया, क्या कुछ पता चला? सर एक और विक्टिम मिला है जिसकी मौत राजेश की तरह हुई थी। तो ये सर, इसका नाम नील है, राजेश की तरह इसका भी गला कटा हुआ था, हाथ पे पैरों पे रस्सी का निशान था। सर आई एम श्योर राजेश और नील भी इसी गेम के शिकार हुए। राजेश और नील के बारे में पूरा पता लगाना पड़ेगा, ये लोग कौन थे, क्या करते थे, और फिर ये दोनों ये खतरनाक खेल किसके साथ खेलते थे। इनका गेम समझने के लिए हमें इन मोरों का भी पता लगाना पड़ेगा। सर, सर प्रीमैजिक फिल्म के ऑफिस गए थे, वहां से इस नंदू का नंबर तो मिला, ट्राई किया पर स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ पंकज। हाँ सर, ये सुबह की माँ भी घर से निकली है, हाथ में एक बड़ा सा थैला है सर, लगता है उसके अंदर सुबह के लिए खाना है। ठीक है, उसके पीछे लगे रहो, हम लोग पहुंचते हैं। सर, सुबह की माँ छुपते छुपाते कहीं जा रही है, शायद सुबह से ही मिलने। फॉलो करते रहना, अपनी नजरों से छुट्टी नहीं चाहिए वो। भैया जी चाकू ठीक कर दो। चले, टाइम नहीं है इधर। भैया जी चाकू ठीक कराओ। मैंने सुना था कि कानून अंधा होता है, आज तो देख भी लिया। जिसे तुम पूरे शहर में ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे सामने है फिर भी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। कौन बोल रहा है? मुझसे दोस्ती बाद में कर लेना एसीपी, इस वक्त तुम्हें प्रीति के बारे में सोचना चाहिए, वो वहीं तुम्हारे ऑफिस में है। प्रीति हमारे ऑफिस में है? तुम कहां से बोल रहे हो?
कहाँ है प्रीति? Come on, ACP. तुम मुझे निराश कर रहे हो. सोचो सोचो. Well done, ACP. बस. डॉक्टर सालुंके भी आए. वेलकम डॉक्टर सालुंके. देखो तुम्हें जो भी चाहिए हमसे बोलो, हम दे देंगे, लेकिन प्रीति को छोड़ देना, समझे? इसीलिए तो मैंने तुम्हें फोन किया है एसीपी. अगर तुम्हें प्रीति सही सलामत चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ एक गेम खेलना होगा. मौत का खेल खेलना तुम बंद करो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो. प्रीति को छोड़ दो वरना बहुत पछताओगे. ठीक है, अगर तुम्हें नहीं खेलना तो फिर प्रीति के साथ भी वही होगा जो राजेश और नील के साथ हुआ था. बिल्कुल नहीं. उस बेचारे ने क्या किया तुम्हारा? उसे छोड़ दो. मुझे बचपन से चोर पुलिस खेलने में बहुत मजा आता था. अब ध्यान से सुनो, तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देने और उसके लिए तुम्हें सिर्फ 5 घंटे मिलेंगे. अगर तुमने 5 घंटों के अंदर 3 सवालों के सही जवाब दे दिए तो प्रीति तुम्हारे पास सही सलामत पहुंच जाएगी. लेकिन अगर तुमने 1 भी गलत जवाब दिया तो मैं उसे मार दूंगा तुम्हारी आंखों के सामने. तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे? तो पहले सवाल के लिए तैयार हो? क्या सवाल है तुम्हारा? 1 आदमी की लाश और लाश के हाथ में 1 गन. उस आदमी की मौत सुबह 10 बजे हुई, लेकिन उसने शाम के 4 बजे किसी का खून कर दिया. कैसे? एक मरा हुआ आदमी खून कैसे कर सकता है एसीपी? पता है मुझे, पता है मरने के बाद आदमी खून कैसे कर सकता है. तो फिर जल्दी बता सालुंके. टाइगर मार्कस. हाँ सालुंके साहब, कभी कभी अकड़न की वजह से झटका लगता है ना. राइगर मॉर्टिस. लाश के हाथ में गन थी और उंगली गन की ट्रिगर पर. जैसे राइगर मॉर्टिस सेटल हुआ, शरीर के साथ साथ उंगली भी अकड़ने लगी और उस अकड़ने की वजह से उंगली ट्रिगर पर दबने लगी और ट्रिगर दब गया. वेल डन. लेकिन तुम दोनों ने बहुत टाइम ले लिया जवाब देने में. अब तुम्हारे पास सिर्फ 3.5 घंटे बचे हैं. उतना वक्त काफी है हमारे लिए. सवाल पूछो. ओके एसीपी, सब्र करो. जल्दबाजी अच्छी नहीं होती. अपना दूसरा सवाल ध्यान से सुनो. एक आदमी को गोली लगी और गोली उसके बॉडी से बाहर नहीं निकली, अंदर ही थी. लेकिन वो गोली किसी को मिली भी नहीं, तो गोली गई कहां? पता है मुझे, बता दे. चली पिघल गई. बर्फ की बनी हुई थी गोली. क्यों? मैंने कहा था ना तुमसे, जल्दबाजी अच्छी नहीं होती. ये गलत जवाब था डॉक्टर सालुंके. तुमने 1 मौका गंवा दिया. अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 चांस बचा है. यस. सुनो, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया. अच्छा, वेरी गुड. वो गोली जो उस आदमी को लगी थी, वो गोली हड्डियों की बनी हुई थी, बोन्स की. जैसे वो गोली चली, गोली ने अपना काम कर दिया और साथ साथ जो शरीर के अंदर की हड्डियां टूट गई, उसके अंदर घुल मिल गई. वेल डन एसीपी, पहली बार इतना इंटेलिजेंट प्लेयर मिला है. मजा आ रहा है बहुत. अब बस 1 सवाल और 1 घंटा बचा है तुम्हारे पास. ये रहा तुम्हारा 3रा और आखिरी सवाल. नहीं, सवाल पूछने से पहले मैं प्रीति को देखना चाहता हूँ. प्रीति कैसी है देखना चाहता हूँ. प्रीति से बात करना चाहता हूँ. ठीक है सर. ये कुछ पेपर्स भेजने हैं, अर्जेंट है. जल्दी जल्दी करो. ठीक है, खाली हाथ वापस मत आना. सर.
अगर जरा से भी होशियारी करने की कोशिश की या अपनी जबान खोली तो इसका गेम मैं अभी के अभी ओवर कर दूंगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।